Marcel, prova. A really, really long one, and we are convinced we will be very successful. And with us tonight to celebrate the opening of the first store is a super good friend, Brad Maneka Chopra. Hi everybody! आपको को मिल रहा है जगह पीछे नहीं मिल रहा कैसे करेंगे अभी तो हम लोग बात कर लेते और उसके बाद हम लोग सोलो फोटो सब करेंगे चलेगा नहीं तो आवाज नहीं सुनाई नहीं बिल्कुल भी नहीं तुम लोग ये मत करो ओके सो एनीवे हाय एवरीबॉडी ऑल दोस दैट आई कैन सी एंड ऑल दोस आई कांट सी बिहाइंड यू I'm genuinely, genuinely very excited to be here. I told him, because I was sitting with him before this, and I told him that this is a brand that I don't need to promote because of the customers all over the world. I think you guys are promoted by your users, which is the best compliment a brand can get. And I'm so happy that I'm here. I'm also here to collect all my free watches. That is my main mission tonight. But thank you so much for making me a part of your family. I am a proud member and I will continue to be all my life and I'm going to convert all my friends also. So rest assured. But thank you again for having me and I hope this brand just becomes bigger and bigger day by day and I keep getting free watches every day. मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगी कि हम लोग इतने सारे इवेंट्स करते और इतनी जगह जाते हैं लेकिन आज मैं जेन्युइनली बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट ब्रांड है और काफ़ी टाइम से काफ़ी सालों से मुझे पता है कि ये ब्रांड है सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एटलीस्ट किसी इवेंट पे झूठ नहीं बोलना पड़ता कि ये बेस्ट प्रोडक्ट है क्योंकि आप जेन्युइनली बिलीव कर दो कि ये बेस्ट प्रोडक्ट है सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड इट्स ब्यूटीफुल क्योंकि यू आर ऑलवेज वेरी ब्लंट आई रियली लाइक दिस आंसर पर आपके लिए टाइम कितना इंपॉर्टेंट है और आप अपना टाइम किस हिसाब से मैनेज करते हैं आप अगर मेरे मैनेजमेंट से पूछोगे तो वो बताएंगे टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इट्स ऑब्वियसली एब्सोल्युटली क्रूशियल एंड आई ऑलवेज हैव अ वॉच इन माय हैंड व्हेनेवर आई एम नॉट शूटिंग एंड नहीं होता तो हम लोग फोन्स में चेक कर रहे होते हैं सो इट्स रियली कूल दैट आई कैन हैव अ लाइट फास्ट फ्री वॉच ऑन माई रिस्ट एंड नॉट रियली वरी अबाउट हाउ इट्स लुकिंग इज इट गोइंग विद माई आउटफिट ला 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 आई डोंट हैव टू थिंक एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट एवरी 10 मिनट्स आई लुक एट माई वॉच एंड लुक अभी मैं यू नो प्लान के हिसाब से जा रही हूँ सो या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अपने रियल लाइफ में एक्सेसरीज का पसंद
ये बहुत अच्छा सवाल है. इवन तो मैं लड़की हूँ एंड यू नो लड़कियों को सजने धजने का बहुत शौक होता है, दे रियली इंजॉयड. लेकिन हम लोग एक्चुअली शूटिंग पे इतना ज़्यादा रेडी होते हैं कि जब मैं शूटिंग नहीं कर रही होती हूँ आई जस्ट डोंट फील लाइक गेटिंग रेडी. आई लाइक टू कीप इट रियली रियली सिंपल. सो आई वेयर वेरी फ्यू थिंग्स, स्मॉल इयर रिंग्स, जस्ट वन रिंग, जस्ट स्मॉल थिंग्स. बट अदरवाइज यू नो मी, आई एम वेरी स्पॉटी एंड आई यूजली वेयर यू नो जस्ट माई जिम क्लोथ और यू नो जस्ट समथिंग रियली चिल. सो या वेरी फ्यू. एक्चुअली जो मैंने अभी पहना हुआ है वो सबसे अच्छा है. इसको बोलते तो मुझे देखना चाहते हो कि नहीं? हाँ हाँ ये देखो. एक्चुअली जो सबसे फेवरेट मॉडल था वो मैं आज ही पहन के आ गई हूँ. ये रोज गोल्ड कलर में है. इट्स कॉल्ड मेल रोज पेटीट. So it looks really cool, it looks minimal, it looks really fashionable and it looks very elegant. So I can wear this in the day, I can wear this in the night. So it's really cool, I really like it. और जैसे मैंने इन लोगों को भी बोला था कि मैं यही पहन के घर चली जाऊँगी और फिर घर जाके एक्टिंग करूँगी, वो मैं गलती से पहन के आ गई, ऐसा करने वाली हूँ. परे दीदी, जैसे कि आप एक ब्रांड फेस हो, जब आप ब्रांड चूज़ करते हो तो किस तरीके से क्राइटेरिया रहता है और आप कैसे चूज़ करते? मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट आई हैव टू बी ऑनेस्ट अबाउट एनी थिंग दैट आई एम स्पीकिंग अबाउट. That is my strength. It needs to come from my heart. I think on my social media, in my films, in my events, anything, it has to be what I feel. I can't fake it and I can't lie about things. So I always choose associations for which I will not have to prepare answers, for which I will not have to, you know, like I said, fake it. So for me, it's very important that this watch and I, or this brand and I, sorry, at least in the way we speak, I speak to my audience and the brand speaks to their customers. It's very honest, it's very superfluous, it's not really an official endorsement kind of a thing. So I really like that that honesty approach to selling a product. परी, जब भी आप किसी प्रोडक्ट की बात करते हैं तो कैसे आप जज कर पाते हैं ये आपके लिए सही है कि नहीं? क्योंकि कभी भी अगर किसी प्रोडक्ट पे कोई इशू होता है तो सेलिब्रिटी का नाम सबसे पहले आता है. तो क्या आप कोई भी प्रोडक्ट साइड ब्रांड एम्बेसडर बनने से पहले लीगल एडवाइस लेते हैं या किस तरीके से आप जज कर पाते हैं कि ये प्रोडक्ट जेन्युइन है और ऑनेस्ट? एक्चुअली ये मैं बात पहले भी बोल चुकी हूँ क्योंकि कई बार कभी भी कॉन्ट्रोवर्सी होती है तो हमेशा एक्टर का नाम लिया जाता है. लेकिन आई थिंक पीपल फॉरगेट दैट वो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं एक्टिंग का या उस बात को फैलाने का इंडिया में और दुनिया में. दे आर नॉट द रीज़न, दे आर नॉट क्रिएटिंग द प्रोडक्ट, दे आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट, दे आर नॉट डूइंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स. वी आर डूइंग आर जॉब. हाउएवर किसी भी बिजनेस डील की तरह मेरे पास भी एक लीगल टीम है, एक बिजनेस टीम है, एक पीआर टीम है. वो सब अपना होमवर्क करते हैं और मैं शूटिंग के दिन पे आके अपना काम आसानी से कर सकती हूँ. बट मैं येस ऑफकोर्स मैं रिसर्च करती हूँ एंड लाइक आई सेड इफ आई बिलीव इन द प्रोडक्ट आई विल बी एसोसिएटेड विद इट, अदरवाइज आई विल नॉट बी. ओके मैम, सून यूनियन इज. आपको लगता है कि वो फिल्मों के बिना जाने देंगे? डू यू थिंक सो? हाँ, ये finally so today is the 17th. I'm starting on the 21st. I'm very excited. In just like 3-4 days we're leaving and we're starting in Amritsar and we'll shoot in Amritsar, Patiala and Ludhiana, and then I'll move to London and shoot the second schedule, and I'll also be shooting Kesari at the same time because they've already started shooting. So I'll have to manage both the films together, but I'm really excited. ऐसे तो बहुत सारी है यार, एक नाम नहीं ले पाऊंगी मैं अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि सच बताऊँ तो थोड़ा टाइम भी हो गया मेरे को किसी फिल्म देखने में, बिकॉज आई हैव बीन रियली बिजी, सो आई हैवंट हैड द टाइम. बट नेक्स्ट टाइम वी मीट आई विल टेल यू. थैंक यू गाइस.